नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि अगर आप ब्लॉगर पर बिल्कुल फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसका एसईओ करना चाहते हैं ताकि आपकी वेबसाइट रैंक हो सके, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड, 40-50 मिनट की वीडियो है, तो आपको इसमें सारी बातें बता दी जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर भी विजिट करके इसको टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड। मैंने इसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे रिव्यू डाले हैं फ्रेंड, इसके बारे में पोस्ट अपलोड किया, आर्टिकल अपलोड किया, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए मेरा इस ब्लॉग में 100 आर्टिकल मौजूद है, तो मैं इसको देखिए कैसे नया अपना ब्लॉगर बनाते हैं। तो सबसे पहले अपना ब्लॉगर का वेबसाइट खोल लेना है, ठीक है। ब्लॉगर का वेबसाइट खोलने के बाद में आपको देखिए, जैसे मैं अपने ब्लॉगर का टाइटल डाल देता हूँ, FRP, एंड मेरी जो वेबसाइट है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो FRP, जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसे FRP और स्पाइवेयर यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैं डाल लेता हूँ मेरा ब्लॉग, मैंने इसी टॉपिक पर स्टार्ट किया है। तो देखिए एंड्रॉयड आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जो भी आपका नाम होता है, आप अपने जो भी जिस भी टॉपिक पर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड नीचे देखिए जो आगे जो ये एड्रेस है, ये देखिए मैंने FRP 500 डाला, तो आगे राइट का निशान आ गया। तो फ्रेंड ऐसा राइट का निशान आना चाहिए, अगर कोई भी ऐसा येलो कलर का निशान आता है तो उसका अर्थ होता है कि ये डोमेन पहले से किसी ने ले रखा है फ्रेंड, आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो आप कुछ ऐसा डोमेन एड्रेस को लगाइए जिससे ये राइट का चिन्ह आ जाए। ये देखिए क्रिएटिंग ब्लॉग, और ये नीचे थीम चुन के इस क्रिएटिंग ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आप अगर आपको डोमेन नेम ख़रीदना है तो आप यहाँ से डोमेन नेम ख़रीद सकते हैं, कोई भी .com, .in, .net, कोई भी, ठीक है फ्रेंड। और अगर आप अपने डोमेन नेम को ब्लॉगर के अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये देखिए इसके बाद में हम आपको बता देते हैं, ये देखिए इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब हम इसको इस ब्लॉग को ओपन करके देखते हैं किस प्रकार का इंटरफेस, जैसा कि आपने अभी देखा था इंटरफेस। ये देखिए अब आपको हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक थीम डाउनलोड करनी होगी इसके लिए। इससे आपका जो भी मेन होम पेज होगा वो एकदम अट्रैक्टिव लगेगा फ्रेंड, और बहुत सारे विजिटर आएंगे और बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो ये देखिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेम्पलेट का लिंक मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए थीम सेशन में जाना है, थीम सेशन में जाने के बाद में साइड में आपको बैकअप का ऑप्शन मिल रहा है, चूज फाइल दिख रहा है। तो फ्रेंड इसके बाद में आपने जो भी डाउनलोड किया था उस थीम में जाना है, जो भी आपने थीम डाउनलोड की थी। ये देखिए मैंने नीचे थीम डाउनलोड की रखी है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है Acer.com डाउनलोड, इसके अंदर मेरा था, तो यहाँ पे मिनी बॉक्स इस नाम से था जो मेरी फाइल है, ये फ्री वर्जन वाली। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ओके ओके प्रेस कर देंगे, इसके बाद में यस टू ऑल, यस या यस टू ऑल कर देना है। ये देखिए फ्रेंड मिनी बॉक्स, ये देखिए एक फोल्डर बन गया। फोल्डर बनने के बाद में इसको ओपन कर देते हैं। ये देखिए जो एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, फाइल का जो ये तो टाइप है जो मिनी बॉक्स फ्री वर्जन, इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। इससे फ्रेंड आपकी जो भी फाइल है अपलोड हो जाएगी। नीचे देख सकते हैं इसकी, आप थीम को चेक करके देख सकते हैं किस प्रकार की थीम हमारे सामने अवेलेबल होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सभी लोग, हमारी जो वेबसाइट का जो होम पेज है वो इस प्रकार का शो होगा, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा से काम करता है, मोबाइल फ्रेंडली है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद में हमको ये देखिए अब हमको क्या करना है, लेआउट सेशन में जाना है। तो सबसे पहले ये आता है, इसमें हमको कुछ ऐसे ऐसे टैग हटा रहे हैं जो हमारे काम के नहीं है, जैसा कि मैं रिसेंट पोस्ट का ये टैग है नीचे वाला, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कैटेगरी ये टैग वाला है, टैग वाले में देख लेते हैं, ये टैग वाला है। फिर आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ एडजस्ट। तो आप पूरा देखिए फ्रेंड, जो भी नए बिगिनर है उनको इस बात का पता नहीं रहता, इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड। बाद में SEO भी बताया जाएगा इसका, तो जो SEO करना चाहते हैं वो आगे स्किप करके देख सकते हैं वीडियो को, और भी पास्ट कर सकते हैं।
में फुटरवेट में होम अबाउट कॉन्टेक्टस पेज है, इनको रहने देता हूँ। ये क्या है जो ये देखिए, मैं सिलेक्ट ये जो ये नीचे होम अबाउट कॉन्टेक्टस है, ये पेज जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हटाना नहीं है, ये हमारे काम में आएंगे बाद में। अभी साइड बार राइट्स, अब हमें क्या करना है, ये देखिए ईमेल, ये हमारा ईमेल का जो भी, अगर कोई भी यूजर से हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकता है, इससे जब भी हम कोई पोस्ट अपलोड करेंगे तो उस तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमको इसमें ऑल टाइम करना है, इसमें चार पोस्ट करना है, पॉपुलर पोस्ट में चार पोस्ट करना है, इससे जो कोई भी यूजर को पता लगेगा कि हाँ अच्छे से ब्लॉग को सेटअप किया गया है। फेसबुक, अगर आप आपका फेसबुक पेज है तो प्लीज़ जो ये मैं नीचे ये जो ब्लू कलर का जो ये पट्टी दिखा रहा हूँ इसको हटा के अपने फेसबुक का यूआरएल या वेबसाइट लिंक डाल दीजिए, अपनी जो भी फेसबुक पेज है उसका लिंक डालना है यहाँ पे, उसके बाद में सेव पे क्लिक करना है। लेकिन अभी मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी को यहाँ पे जो भी नीचे साइड कैटेगरी थी कैटेगरी को रहने देते हैं, ऐसे अल्फाबेटिक क्लिक करके लिस्ट पर क्लिक करेंगे और 100 नंबर को पोस्ट इसको रिमूव कट कर देंगे, अनटिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में टैक्स, अब टैक्स हमारा जो नीचे है वो नीचे आ चुका था, अभी हमने लगा लिया था, हम दो टैग नहीं लगाएंगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये एट्रीब्यूशन, जो एट्रीब्यूशन दिख रहा है इनको रिमूव करना है, तो ये रिमूव कर देता हूँ मैं। रिपोर्ट एब्यूज आता है इसके बाद में, तो रिपोर्ट एब्यूज को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये अबाउट में भी हमारे कुछ काम करना ही है, यानी कि यूजर को किसी, कोई भी यूजर आजकल पढ़ना अच्छा नहीं, पढ़ना पसंद नहीं करता, सर्च दिस ब्लॉग, इसको रिमूव कर देता हूँ। एडसेंस है तो अभी तक हमारा एडसेंस है, रिक्वायर नहीं हुआ है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, फालतू में और जगह लेता है इसलिए रिमूव कर दिया। ब्लॉग आर्चीव, इसको भी रिमूव कर देंगे, ये पेज का ऑप्शन है, इसको भी हम, ये शायद रिमूव नहीं होगा, रिमूव हो जाएगा ये भी, इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में लिंक लिस्ट, जो ये नहीं सॉरी फ्रेंड ब्लॉग पर या लिंक लिस्ट देखिए, मैं देखता हूँ किस पे क्लिक कर, फीचर पोस्ट पे क्लिक किया मैंने, फीचर पोस्ट में आप ये देखिए, अगर 100 पोस्ट टाइटल तो आपका जो भी साइड में एक पोस्ट दिखाई देगी तो जो पोस्ट का टाइटल है वो दिखाई नहीं देगा, 100 टेक्स्ट इमेज, 100 टेक्स्ट स्निप यानी उसके बारे में जो भी आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो दिखाई देगा अगर आप इसको टिक रहेंगे, 100 इमेज, अगर आप फोटो दिखाना चाहते हो तो 100 इमेज पे क्लिक कर देना है जैसे, और अगर फोटो नहीं दिखाना चाहे या आप ओनली इसका टाइटल और जो स्निप है उसको ही दिखाएं तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके बाद में पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमको इसमें मतलब पहले पेज में जो भी होम पेज है कि कितनी पोस्ट आना चाहिए, 8 कर देता हूँ मैं, ये पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। पोस्ट पेज लिंक, जब भी हम होम पेज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीड मोर लिखा हुआ आता है, तो हम यहाँ से रीड मोर की जगह कुछ और भी लगा सकते, कुछ और भी लिख सकते हैं, रीड आल्सो, री कुछ भी मतलब। अब आपको पोस्ट के अंदर अपना अपना जो भी नाम है अपनी वेबसाइट का वो लगाना है तो इसको टिक कर दे वरना अनटिक कर दे, जो भी तारीख है वो दिखाना है तो टिक कर दे वरना नहीं करें, कमेंट दिखाना है तो करें, और रिलेटेड पोस्ट पर टिक कर दे, टैग्स पे क्लिक कर दे, रिएक्शन रिएक्शन पे क्लिक कर दे, जैसा कि मैं रिएक्शन पे क्लिक करके इसमें लगा देता हूँ, एक तो बेटर लगा देता हूँ, बेटर का मतलब होता है सबसे अच्छी पोस्ट, ठीक है, बेटर किया। इसके बाद में मैं लगा देता हूँ गुड लगा देता हूँ, एक का पोअर लगा देता हूँ कि पोस्ट अच्छी नहीं थी, ठीक है फ्रेंड। इससे यूजर अपने को मतलब बता सकता है कि पोस्ट में कौन कौन सी मिस्टेक है, कौन कौन सी पोस्ट काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। ऑथर ले आने ले, ऑथर ऑथर प्रोफाइल बेलो पोस्ट इसको रहने देंगे इस तरीके से और सेव कर देंगे। अब आते हैं ऊपर वाले ऑप्शन लिंक लिस्ट, इससे क्या होता है फ्रेंड, इससे जब भी हम कोई भी
मेन्यू बार होते, जो भी हमारी वेबसाइट के मेन्यू बार थे, देखिए हमें फीचर मल्टी ड्रॉप ऐसे हैं। तो अभी देखिए हम इसको ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, ये देखिए फ्रेंड जो ये ऊपर फीचर दिख रहा है इसको हम चेंज करेंगे इसका नाम। इसमें हम लिंक भी डाल सकते हैं, जैसे मैं इसको लिंक लिस्ट पे क्लिक करके इसको वापस लाता हूँ। ये देखिए अब जो फीचर है इसको एडिट करेंगे, तो फीचर की जगह जैसे मैं लगा देता हूँ, firmware, ठीक है। इसके बाद में आप जो ये URL है इसका URL भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं URL नहीं डालूंगा। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेव पर क्लिक करके इसको अब देखते हैं, इसको वेबसाइट में जाके चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप सभी लोग यहाँ से इस प्रकार को इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी हमें अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। वैसे बहुत सारे के अंदर हमें जो ये थीम सेशन होता है उसके अंदर जाके सही करना पड़ता है। अब जो ये दिख रहे हैं आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये हमारे जो भी वेबसाइट है इसके हेड में है। तो अभी देख लेते हैं हम, ये देखिए आप से आप अपना फेसबुक का जो भी लिंक है वो डाल सकते हैं, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का, गूगल प्लस का। ये देखिए जो आपको ऊपर दिख रहे हैं यही है इनके आइकन, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप अपने ब्लॉग का टाइटल, उनका जो भी लोगो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये है, तो इनको तो हटा देना है, सभी को डिलीट 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 कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए इस प्रकार से हमारा ब्लॉग एकदम क्लीन हो जाएगा फ्रेंड, और कोई भी विजिटर को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से ब्लॉग को डिजाइन किया गया, एकदम प्रोफेशनल ब्लॉग है इसका, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं क्या करेंगे हम, अब डिफॉल्ट वैल्यू इनको हटा देना है, जो भी ऊपर थीम ओपिनियन ऑप्शन है इनको हटा देना है। इसके बाद में हम लोगो से बनाएंगे, तो सबसे पहले पेंट खोल लेना है। पेंट का मतलब होता है कलर बॉक्स का, जो भी हो गलत मत समझ लीजिए, जो पेंट होता है इसका उसको तो छोटा करेंगे। देखिए पेंट कैसे कैसे करता हूँ मैं, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद में मैं एक फ़ोन की फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, तो फ्रेंड जैसा आपने देखा मैंने ये लोगो बना लिया है, जैसा कि आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप सभी लोग देख लिया इस प्रकार से मैंने लोगो बना लिया है। तो दोस्तों इसके बाद में हम इसको हम टॉपिक में यहाँ पे शेव कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लेआउट सेशन में जाने, लेआउट सेशन में जाने के बाद में इसका जो फेविकॉन है इसका ये भी लगा दिया आइकन भी, ठीक है। ये देखिए इसका लोगो इस प्रकार से दिखाई देगा, शो होगा। अब क्या करना है हमको आगे देखिए, सीधे काम तो पूरा हो गया, हमें जो भी सेशन है हम देख लेते हैं। जो सेटिंग ऑप्शन है फ्रेंड आपको थीम के नीचे सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइटल है तो मैं टाइटल को अच्छे से लगा देता हूँ, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है वरना इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। देखिए तो मैं यहाँ पे एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता हूँ एंड एंड्रॉयड एफ आर पी एंड फाइवेयर। अब डिस्क्रिप्शन की बात आती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्रेंड आपको वो चीज़ें डालनी है कि मैंने इस ब्लॉग के अंदर ऐसी ऐसी बातों का वर्णन किया है, इसमें आपको इस प्रकार की जानकारी मिलेंगी। इस पर यहाँ से आप मतलब इसको अगर आपका ब्लॉग हिंदी में है तो हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए इस ब्लॉग में इंटरनेट से जुड़े लोगों को एंड्रॉइड फ़ोन से जुड़ी जानकारी मिलेगी, इसमें सभी एंड्रॉइड फ़ोन के एफआरपी भी लोग रिमूव, एंड्रॉइड फ़ोन का रीसेट, एंड्रॉइड फ़ोन में स्टॉक रोम और कस्टम रोम, एंड एंड्रॉइड फ़ोन रूट और सभी एंड्रॉइड फ़ोन में फायरवेयर डाउनलोड करने के लिए इस प्रकार की जानकारी मिलेंगी। तो मैं इसको इंग्लिश में डाल देता हूँ फ्रेंड, क्योंकि अभी तक ये जो भी ज़्यादा लोग हैं इंग्लिश में सर्च करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को एंड्रॉइड से संबंधित जो भी, तो इसलिए मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। अगर आप
हमारे जो नेचुरल गांव के लिए भी ऐसा कोई और दूसरा ब्लॉग होता तो मैं हिंदी में डालता, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका यहाँ पे नो है तो इसको यस कर दीजिएगा, और 5-7 मिनट के बाद में यस होगा फ्रेंड, पहले नो नो ही रहेगा। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आधे घंटे के बाद में इसको वापस ट्राई कर लीजिए, और इसको यस करिएगा ही करिएगा, भूलना मत। सो एट द पोस्ट इनको कुछ भी चेंजेज नहीं करना है इनके अंदर, इनको एम्बेड पर क्लिक करना है, और इसमें ओनली यू ओनली मेम्बर ऑफ दिस ब्लॉक पे क्लिक करना है। इसमें अभी यह है, लेकिन इनको हटा के बीच वाले को हटा के नीचे वाले पे टिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, इस पे कमेंट मॉडरेट नेवर पे ही रहने देना है, सो वेरिफिकेशन तो इसको नो करना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद में सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है, कमेंट फ्रॉम मैसेज, अगर कोई भी कमेंट करता है तो उसको क्या मैसेज जाए, आप वहाँ से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उनको मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी ऑटो जनरेटेड मैसेज कहते हैं उसको, ठीक है। कमेंट नोटिफिकेशन इनेबल, अगर कोई भी बंदा कमेंट करता है तो उसका मैसेज आपके कौन से ईमेल पे आएगा वो ईमेल यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में सेव सेटिंग में क्लिक कर देना है। इसके बाद में सर्च पर फ्रेंड्स आता है, डिस्क्रिप्शन, फ्रेंड आपको इसके अंदर वो टैग डालने हैं जो जिन टैग के बारे में आप पोस्ट लिखना चाहते हैं, रैंक कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड नेल पटेल ऊबर सुजेशन एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, जिसकी मदद से आप इसका कर सकते हैं। इस टूल के बारे में आपको सारी जानकारी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नेल पटेल टूल। तो फ्रेंड उस पर क्लिक करके आप पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं, इसका यूज कैसे करें, इसका लिंक भी उसी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। नेल पटेल ऊबर सजेशन टूल का नाम लिखा है, या मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे को एंड्रॉयड फ़ोन रूट के बारे में देखना है कि इंडिया के अंदर ये कितना परसेंट है, रैंक होने में कितना टाइम मिलेगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सॉरी 1 मिनट, ये देखिए फ्रेंड एंड्रॉयड फ़ोन रूट है, तो देखिए इसमें मंथली 36,000 3,600 एवरेज है, और 28% एन ईजी है रैंक कराना, ठीक है। अब मैं इसको गूगल में भी सर्च करके देखता हूँ कि चक्कर क्या है इसमें, कितना क्या सीपीसी है कितनी, ठीक है। ये देखिए एंड्रॉइड फोन फैक्ट्री सेट, तो देखते हैं इसमें है 21,100 परिणाम हमको देखने को मिले हैं, यानी फ्रेंड लो है, सर्च वॉल्यूम इसका लो है, यानी आसानी से रैंक हो जाएगा ये। इसका डीएपीए भी अच्छा, यानी मीडियम साइज है, तो एंड्रॉइड फ़ोन रूट। इस प्रकार से आप सभी कीवर्ड को ढूंढ सकते हैं, आपको अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड आपको पहले सर्च करके देखना है, ऐसे नहीं कि मन से लगा दिया कोई भी कीवर्ड। अगर ऐसा करेंगे तो आपका ब्लॉग वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगा, और अब बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि इन्हीं मेटा टैग की वजह से आपका ब्लॉग की रैंकिंग बढ़ती है, इंक्रेजेबल बढ़ती है। तो मैं लगा लेता हूँ सारे कीवर्ड, तब तक रोक देता हूँ। इसके बाद में ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये लगा लिया है, आपको इसमें 150 वर्ड का यूज करना है, 150 से ज़्यादा वर्ड का यूज करेंगे मेटा टैग में तो फ्रेंड आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, ये सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कम का यूज करना है, इनको कुछ भी नहीं करना है, ये तो मैंने आप बता रहा हूँ। कैंसिल, कस्टम रिडायरेक्ट में कुछ भी नहीं करना है, कस्टम पेज नोट फाउंड में कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपको गूगल सर्च कंसोल पे कुछ नहीं करना है, कस्टम रोबोट टेक्स्ट पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड, ये बाद की बातें, जब आपकी पोस्ट 15 पोस्ट हो जाएगी उसके बाद में करना है। होम पेज पे आल कर देना है, और नोट डीपी कर देना है, आल नोट डीपी पहले पे भी, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आल नोट डीपी, मैंने यहाँ पे नोट डीपी करना है फ्रेंड, मैं बाद में करूँगा। जो होम पेज है वो ये आल और नोट डीपी करना है। मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए अब अभी नो डीपी नहीं कर पाऊँगा अब तो, ठीक है फ्रेंड। सेव कर देना है, इसके बाद ही मोनेटाइजेशन कस्टम एड्स और टेक्स्ट ये एडसेंस अप्रूवल के बाद ही हो पाएगा, तो हम इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ से आप अपने ब्लॉग को भी रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही,
लेकिन ब्लॉक को रिमूव नहीं करना है भूल कर भी, वरना वापस रिकवर या बैकअप नहीं हो पाएगा। एडल्ट कंटेंट यानी कोई भी गंदे कंटेंट इसमें है या नहीं है तो नो कर देना है। या फिर ब्लॉगर का क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही करिए इस। अब फ्रेंड मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, कि हमारा इंटरफेस ब्लॉग का इंटरफेस कैसा दिखाई देगा। तो देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, मैंने कुछ पोस्ट इसमें अपलोड की है तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमको क्या करना है, मेटा टैग। मेटा टैग हमारी ब्लॉग की सर्च रैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरे इस ब्लॉग पर जाके मेटा टैग सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट दिखाई देगी। इस पोस्ट को ओपन करना है। पोस्ट को ओपन करने के बाद में पूरी पोस्ट को देखना है। देखिए एकदम आप हिंदी भाषा में, कोई भी इंग्लिश नहीं है, इससे आपको इजीली बताया गया, अच्छे से एक्सप्लेन करके इसके अंदर पूरी तरह बताया गया फ्रेंड, ठीक है, पूरे इशारे के साथ। अब आपको क्या करना है, इसका लिंक भी दिया होगा उस वेबसाइट का, देखिए मेटा टैग जनरेटर, तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में वेबसाइट ओपन हो जाएगी दूसरी, इसको नीचे की ओर स्लाइड करना है। मैं नीचे की ओर स्लाइड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको अपना अपना जो भी आपने भी ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो डालना है। सेटिंग ऑप्शन में जाना है, बेसिक में जाना है, सेटिंग की बेसिक में जाना है। तो मैं सेटिंग में जाता हूँ, पहले इस सेटिंग में गया, इसके बाद में बेसिक में गया। बेसिक में जाने के बाद में मैं इसको कॉपी करता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में वापस इसमें पेस्ट कर देंगे, नो थैंक्स पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। इसके बाद में आता है कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स, थीम सेशन, सेटिंग सेशन में जाके, सर्च परफेंस में जाके जो मेटा टैग्स का जो डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल राइट बटन पे क्लिक करके, तो कंट्रोल वी से करेंगे। ऑथर नेम आपका नाम डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपना नाम नहीं डालकर एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, ये डाल देता हूँ। इससे कोई भी सर्च करिएगा तो एंड्रॉयड फ़ोन एडमिन लगा देता हूँ। इसके बाद में क्रिएट मेटा टैग्स, आल पे क्लिक करके क्रिएट मेटा टैग्स, यहाँ पे ओके का बटन आएगा ऊपर, तो ये देखिए। अब आपको जो ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है इसको कॉपी नहीं करना है, जो नीचे की जो बी तक, बी से स्टार्ट है, यहाँ से पूरी करके इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद में इसके बाद में आपको हेड सेशन में जाना है। यहाँ पे थीम में जाएंगे तो हेड मिलेगा, तो हेड के ठीक नीचे इसको कॉपी कर देना है एक स्पेस मार के, ठीक है। इसके बाद में सेविंग पे क्लिक करना है फ्रेंड। इससे आपके ब्लॉग की वेबसाइट का जो भी रैंक है वो बढ़ेगी फ्रेंड। अगर आप इसे यूज नहीं करते हैं तो आपका ब्लॉग वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में, चाहे आप कितने बैक लिंक लें, कितने ही कुछ भी लें फ्रेंड। अगली वीडियो में हम बैक लिंक के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद में होता है शेयरिंग बटन, सबसे अधिक बात होती है शेयरिंग बटन। इससे आपकी पोस्ट को शेयर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आपको मेरे ब्लॉग पे जाना है, ब्लॉग पे जाने के बाद में शेयर करना है, या मैं आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, शेयर बटन पोस्ट लिख के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको उसको पूरा रीड करना है, एकदम इजीली बताया गया है फ्रेंड। और हो सके अपना 1 मिनट का कीमती वक्त देखकर तो इसको शेयर करें, तो शेयर वेबसाइट लिंक मिलेगा आपको इसमें, तो इस पर क्लिक करेंगे। गूगल से आप इसको साइन अप या साइन इन या कुछ भी, यानी इसको ओपन करना है, एसेस करना है ऐसे। ये गूगल से मैं एसेस करता हूँ, देखता हूँ पहले से बना अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो शायद बना हुआ है मेरे हिसाब से पहले, लेकिन पता कर लेते हैं। अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेंगे, ये देखिए पवन कुमार चंदेल @gmail.com। इसके बाद में इंडिया ये सेलेक्ट करके यस पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। लेकिन फ्रेंड मैंने पहले से इसको रजिस्टर कर रखा है देखिए, इसलिए मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ये मेरा पहले से पासवर्ड सेट है, मैंने ऑटो पासवर्ड कर दिया था, राइट हो गया। अब साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में देखिए,
हमारे सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। ये देखिए, इसके अंदर आपको एकदम सारी बातें स्पष्टतया बताई गई है। इसमें आपको किसी भी वेबसाइट को ऐड नहीं करना है, गेट द कोड पे क्लिक करना है, जो आपको ऊपर की साइड दिख रहा है बेल आइकन के पास में, गेट द कोड पे क्लिक करना है। जो आपको गेट द कोड दिख रहा है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसको चालू बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर देखिए एमपी, वर्डप्रेस, मैग्नीगो, टम्बलर, बहुत सारी वेबसाइट वो है, लेकिन हम उनको HTML ही इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारा ब्लॉगर है। तो इसको कॉपी करेंगे, लेकिन इसको बंद करेंगे ऊपर कैन ओनली, तो जस्ट कॉपी भाई, आप यहाँ से कॉपी करें और इसके जो बॉडी है, जो क्लोज की हुई बॉडी है, उसके अंदर आपको कॉपी करना है। देखिए कॉपी करने के बाद में देख सकते हैं इसके अंदर बताया गया है कि बॉडी के अंदर जाना है, अपने जो भी थीम सेशन के अंदर जो बॉडी सर्च करना है, कंट्रोल और ऐप दबा के, तो साइड बार में ओपन हो जाएगा एक सर्च बार, उसके अंदर ये डालना है। तो मैं थीम सेशन में जाता हूँ, कंट्रोल ऐप एक साथ दबाएंगे तो साइड में देखिए सर्च बार ओपन हो गया। तो साइड में इस प्रकार से सर्च करके इंटरप्रेस करना है, इसके बाद में ये देखिए ओपन हो गया। तो बॉडी के ठीक पहले इस कोड को इंसर्ट करना, बॉडी के ठीक पहले, और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद में आप सभी लोग कुछ भी नहीं करना, और इसके बाद में देख सकते हैं आप सभी लोग, या आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद भी हमको क्या करना है, जो भी हमारा शेयरिंग बटन होगा उसको कैसे, जो हमें इस टूल पर क्लिक करना है, जो एनालिटिक्स के पास में टूल्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फ्लोटिंग बटन इनको चालू कर देना, जो ये ऊपर साइड में चालू है। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आप ये देखिए इस प्रकार से ओपन होंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से इनको चूज करना है। आप खुद ही इसके अंदर इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं। जो आपको ऊपर फ्लोटिंग शेयर बटन के ऊपर चार आइकन मिल रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने इसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनका जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर सकते हैं, और इसमें लेआउट को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड आपको इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जिसकी मदद से आप ये देखिए एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं उनको। तो फ्रेंड आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप मेरे हिसाब से आप सभी को यहाँ पे जो ब्लॉगर वेबसाइट पे कैसे बनाएं इसके बारे में अधिकतर जानकारी मिल चुकी होंगी। वैसे बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर कौन कौन से बटन लगेंगे, क्या क्या करना है, अब वो इंटरनेट पर सर्च कैसे कैसे करेंगे। इसलिए फ्रेंड ये मैंने एक लंबी वीडियो बनाई है, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, कि इससे जो भी कोई नए लोग हैं उनको हेल्प हो सके फ्रेंड, क्योंकि उनके लिए ये ढूंढना बहुत मुश्किल गया है कि वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट कैसे बनाए। सबसे पहले तो बात आती है उनके लिए कि वेबसाइट कैसे बनाए, वेबसाइट बनाने के बाद में जब इसको रैंक कराना है या ऑटोमेटिक हो जाएगी, या ऐसी बातें उनके अंदर होती रहती है। अब मेटा टैग्स की बात आती है, तो उनको क्या पता मेटा टैग्स से जो भी वेबसाइट रैंक होती है। इसलिए फ्रेंड ये मैंने वीडियो बनाई है, और अगर वो वीडियो इस वीडियो को देखेंगे तो फ्रेंड वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो मेरे स्टेप बाई स्टेप सारी वीडियो को फॉलो कर सकेंगे और अपनी वेबसाइट को रैंक कर पाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। इस प्रकार से आप इसको सेव कर सकते हैं, देखिए एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसको आप मतलब सेव करके आप इसको ऑन कर सकते हैं।